नमस्कार सभी का, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने जो रीट की एग्ज़ाम हुई थी उससे संबंधित कुछ विवरण डाला है। राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2021-22 गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी एरिया हेतु अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य और विशेष शिक्षा, ये विज्ञापन संख्या इतनी है 31/12/2021 को ये प्रकाशित हुआ है। इसमें राजस्थान पंचायती राज नियम और गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा एवं विशेष शिक्षा के विभिन्न पदों का विवरण नीचे दिया गया। अध्यापक लेवल प्रथम में सामान्य शिक्षा के 11,500 पद हैं जिस और विशेष शिक्षा के 233,64,143 कुल पद हैं 11,940। गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत सामान्य विशेष शिक्षा के पृथक पृथक विज्ञापित पदों का विषयवार जिलेवार वर्गवार पदों का विवरण नीचे दिया गया। ऑनलाइन आवेदन की करने की क्रिया 10 जनवरी 2022 से 9 फरवरी 2022 तक रात्रि 12 बजे तक की गई है। अभ्यर्थियों के लिए जो सामान्य निर्देश हैं वो नीचे दिए गए हैं कि न्यूनतम मार्क्स कितने जरूरी हैं जो रीट में हैं। तो अनारक्षित और सामान्य के लिए न्यूनतम 60%, आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 55%, समस्त श्रेणी की विधवा परित्यक्ता के लिए 50% और निःशक्त श्रेणी के लिए 40%, शहरियों के लिए 36% पास मार्किंग इसमें दी गई है। एक से ज़्यादा आवेदन करने पर अंतिम आवेदन पत्र मान्य होगा, ये इसमें दे रखा है। फिर आवेदन शुल्क दे रखा है, सामान्य व क्रीमिलियर श्रेणी के लिए 100 रुपये और नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के लिए 70 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व शहरिया के लिए 60 रुपये व सामान्य राज्य के सभी वर्ग के जो निःशक्त जन हैं जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है उनके भी 60 रुपये शुल्क निर्धारित किया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया SSOID के जरिए की जा सकेगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपना स्वयं का मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी और आधार नंबर अंकित करने जरूरी हैं। जिलेवार पद भी दे दिए गए हैं, आरक्षण भी दिया है और ये वेतनमान है 9 नंबर पॉइंट में कि क्या वेतनमान रहेगा। 10 नंबर पॉइंट है राजस्थान प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2021-22 के अंतर्गत लेवल प्रथम के पदों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं, कक्षा 1 से 5 स्तर प्रथम के लिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, ये योग्यता दे रखी है। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा, विशेष अनिवार्य प्रशिक्षण, नियुक्ति हेतु निर्हरता की कौन सी निर्हरता है वो इसमें दी गई है। नियुक्ति हेतु आयु सीमा जो दी है वो न्यूनतम 18 वर्ष 1/1/2023 को और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। इन श्रेणियों को आयु वर्ग में विशेष छूट होगी। भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रावधान नीचे दिए गए। उत्कृष्ट खिलाड़ियों संबंधी प्रावधान 12.4 में दिए गए हैं। विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों के लिए प्रावधान यहां दिए गए हैं।
अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा दोनों में दिए गए। महिला अभ्यर्थियों के लिए प्रावधान भी यहाँ दिए गए हैं। चयन प्रक्रिया फिर आवेदक द्वारा घोषणा पत्र और शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदन पत्र के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उनका यहाँ विवरण दे रखा है। ये पद दे रखे हैं लेवल प्रथम के नॉन टीएसपी एरिया के। कौन से जिले में कितने पद हैं? ये टीएसपी एरिया के बारे में दे रखा है लेवल प्रथम सामान्य और विशेष शिक्षा। पहले वाला नॉन टीएसपी का था, इसमें सामान्य शिक्षा के 3500 पद हैं और विशेष शिक्षा के 28, 13, 19 टोटल हैं 3560 पद। तो इसमें भी वो न्यूनतम पासिंग मार्क दे रखा है। आवेदन शुल्क दे रखा है वही, आवेदन की प्रक्रिया दे रखी है, वेतनमान कक्षा 1 से 5 स्तर, खिलाड़ियों से संबंधित योग्यता दे रखी है, आवेदन पत्र के साथ साथ कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो दे रखे हैं। ये नीचे जिला वाइज पद दे रखे हैं। यहाँ ये कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती 2021-22 के पद दे रखे हैं कि किस कैटेगरी में कितने पद हैं। ये जिला वाइज पद दे रखे हैं। सबसे पहले जिले हैं, फिर कुल विज्ञापित पद हैं बैकलॉग सहित, फिर बैकलॉग को घटाते हुए पद दे रखे हैं, फिर अनारक्षित पद दे रखे हैं जिसमें महिलाओं के लिए 30% आरक्षित पद हैं, फिर EWS के दे रखे हैं, फिर अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के दे रखे हैं, फिर अति पिछड़ा वर्ग MBC के दे रखे हैं, अनुसूचित जाति SC के दे रखे हैं और आगे ST के दे रखे हैं, शहरिया के दे रखे हैं, दंडवत आरक्षण दे रखे हैं, पूर्व की भर्तियों में बैकलॉग दे रखे हैं, सभी में 30% महिलाओं का आरक्षण है। तो अब जिले वाइज हम इसको देख लेते हैं कि कौन से ज़िले में कितनी है। तो 18 जिलों तक, झुंझुनू तक तो ये विवरण है भर्तियों का कि कौन से कैटेगरी के कितने पद हैं। नेक्स्ट है फिर झुंझुनू से आगे जोधपुर से लास्ट तक 11,500 पदों के बारे में यहाँ दे रखा है। ये
टीएसपी एरिया से संबंधित पद दे रखे हैं, जिलेवार इनका क्रम दे रखा है। वो ही पहले अनारक्षित, फिर अनुसूचित जाति, फिर अनुसूचित जनजाति, दंडवत आरक्षण, पूर्व की भर्तियों में बैकलॉग। तो इसमें सिर्फ 7-8 जिले दे रखे हैं, इसमें 3500 कुल पद हैं। ये पदों का वर्गीकरण है।